इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बहुत अहम खबर है, अगर इस खबर को तकरीबन महीने की बड़ी खबर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आखिरकार मरकज ने किया गोदी मीडिया पर पलटवार। पिछले कुछ दिनों से सिर्फ तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह का घिनौना खेल दलाल मीडिया की जानिब से खेला जा रहा था, अब उन्हें पड़ेगा महंगा। भारत के मुख्तलिफ जगहों पर मुकदमे दर्ज करने की खबर हासिल हुई है। दिल्ली निजामुद्दीन की जानिब से प्रेस रिलीज के जरिए जिस तरह का हैशटैग मीडिया की जानिब से चलाया गया, इस पर कानूनी कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। यहां तक कि बेलगाम शहर में भी मुख्तलिफ न्यूज चैनल और अखबारों को लेकर प्रेस काउंसिल में जाने की हिदायत निजामुद्दीन मरकज की जानिब से दी गई है। औरंगाबाद, हैदराबाद, मुंबई और दिगर शहरों में मीडिया न्यूज चैनलों पर कार्रवाई करने का मुतालबा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को दिया गया है। इन न्यूज एंकरों में खासकर इंडिया टीवी के रजत शर्मा, रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी, एबीपी की रूबिका लियाकत, स्वाति सिंह, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी, दीपक चौरसिया, रोमाना इसर खान और अवी अशोक कुमार, जो एडिटर एबीपी न्यूज का खास तौर पर जिक्र किया गया है। इन तमाम पर बंगले वाली मस्जिद मरकज का इल्ज़ाम है कि बेवजह तबलीगी जमात को बदनाम किया गया और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। जैसा कि टीवी में कोरोना जिहाद, कोरोना टेररिज्म और मुस्लिम कोरोना जैसे प्रोग्राम हैशटैग के जरिए चलाए गए। एक मानसिकता से मुतासिर मीडिया ने तबलीगी जमात को बदनाम किया, लिहाजा कानूनी कार्रवाई के जरिए इन तमाम न्यूज एंकर्स पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इन्होंने आगे अपने मुतालबे में कहा कि मीडिया का किरदार बहुत ही शर्मनाक रहा और इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, ऐसा लिखा मौलाना साद पर। इन्होंने जो प्रोग्राम दिखाए गए, खासकर कोरोना मौलाना, इंतहाई काबिले मजम्मत है। तबलीगी जमात माशरे में फला बहबूदी का काम अंजाम दे रही है और यह अपने रूह को साफ करने का और माशरे में अमन सुकून, ईमान और आखरत पर मुमनी बातें करती है, ऐसा उनका कहना। पूरी दुनिया में तबलीगी जमात के काम को सराहा जाता है। जमात पिछले 100 साल से खिदमात अंजाम दे रही है, ऐसा भी मुतालबे में कहा गया। हैदराबाद की तंजीम तहरीक मुस्लिम साहबान ने मुश्ताक मलिक ने बताया कि अगर पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में दिलचस्पी नहीं दिखाती है तो पुलिस को पार्टी बनाने के लिए हाईकोर्ट जाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मीडिया, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुसलमानों को देश कोरोना वायरस के फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, जो नहायत तशवीशनाक है और मजम्मत के काबिल, और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इनका कहना यह भी है कि कुछ न्यूज एंकर्स को यह काम रहता है कि सिर्फ नफरत के एजेंडे पर चलते रहते हैं, खासकर अर्णव गोस्वामी, रजत शर्मा, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी। ऐसा लगता है कि इन्हें बस यही नफरत फैलाने के लिए पैसे दिए जा रहे, लिहाजा इन्हें कहीं तो रोकना होगा। और तबलीगी मरकज पर बेतुके प्रोग्राम और बदनामी करने की कहानियां दिखाकर एक समाज को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। मलिक ने यह भी डर जाहिर किया कि इन न्यूज चैनलों ने ही देश में गृह यानी खाना जंगी के हालात बनाने की साजिश रची है। इनके इस रवैये की वजह से मुसलमानों को दूसरे इलाकों में यानी कि दिगर दूसरी जगह पर अगर वो कुछ बेचने के लिए जाते हैं, इन्हें पाबंदी लगा दी जा रही है, जिसके पर्चे फिरका परस्तों की जानिब से बांटे जा रहे हैं और इस पर भी कार्रवाई हुई। वो महाराष्ट्र में मुंबई, परभनी, औरंगाबाद में भी न्यूज चैनलों पर मुकदमे दर्ज करने की खबर तो हासिल हो रही है, लेकिन अभी मुकम्मल खबर हासिल नहीं हुई। अगर दर्ज नहीं किए जाते हैं तो अदालत जाने की भी तैयारी मुल्क भर में की गई है। बेलगाम शहर में भी उन चैनलों पर कार्रवाई की तैयारी जारी है जिन्होंने बेवजह मरकज को बदनाम किया और उलमाओं पर कीचड़ उछाल। आप देखना है कि क्या हुकूमत वाकई संजीदगी से फैसला लेते हुए तमाम न्यूज एंकरों पर कार्रवाई होती है या नहीं। अवाम का कहना यह है कि जिस तरह एक समाज को इन दलाल मीडिया की जानिब से निशाना बनाया जा रहा था, यह देश की तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा गया। ना सिर्फ तबलीगी जमात का मामला या कोरोना, हमेशा यह देखा गया है कि नफरत के एजेंडे पर मुल्क को सुलगते रखना इन न्यूज एंकरों को बहुत अच्छा लगता है, लिहाजा इन पर सख्त कार्रवाई हो ताकि लोकतंत्र यानी जमहूरियत के चौथे सुतून यानी चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए, वरना कल को सभी जमीर फरोश लोग ही मनमानी करते रहेंगे और सच्चाई इसी तरह से दम तोड़ती रहेगी। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।